सो भाई लोग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ आवर गांव व्लॉग। सो आज है 30 तारीख और आज इन तीनों गधों को आना है यहाँ पे। सुबह मैं 5 बजे का उठ रखा हूँ। मैं थोड़ा ना स्टार फोटोग्राफी कर रहा था, एक्चुअली देख रहा था, सीख रहा था कि मतलब कि कैसे क्या करेंगे, क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को भी रियलिटी में पता नहीं है सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, क्योंकि फोकस मेरे को इन्फिनिटी फोकस करना नहीं आ रहा था, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज मैं क्या करूँगा कि दिन में ना किसी दूर की चीज़ का ना फोकस लेके और कैमरे को ना छोड़ दूँगा ऐसे ही, तो रात के लिए उसे ना सीधा डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही ओपन करूँगा और सीधा फिर खींचूँगा फ़ोटो रात को। और मेरे हिसाब से टाइम सबसे सही है, 5 बजे का टाइम सबसे सही है। सो ये सब बातें तो छोड़िए, अभी मैं सुबह उठा था, कल बारिश हुई थी तो मैं सुबह उठा और आप ना मानेंगे नहीं, मतलब कि ना क्या व्यू है ना मेरे सामने अभी। वहाँ पे ना एक और गोप्रो पे टाइम लैप्स निकल रहा है, बट क्या लिटरली क्या माइंड बॉगलिंग व्यू है ना, जो मतलब कि हम इंस्टाग्राम रील्स में देखते नहीं है व्यू, सेम वही व्यू है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए व्यू। ये थोड़ा एक्चुअली गोप्रो को मैंने हैंड हेल्ड पकड़ रखा है क्योंकि स्टैंड उस वाले गोप्रो पे लगा हुआ है। और ये देखिए क्या व्यू है यार, मेरी इज़न दिस व्यू टू डाई फॉर, हाँ क्या व्यू है। लाइव लोकेशन भी मुझे लग रहा है इसने उसी टाइम की शेयर कर रखी थी, क्योंकि वहीं मेरठ एक्सप्रेसवे वाला ही लाइव लोकेशन दिखा रहा है और आगे अपडेट ही नहीं हुआ है। चलो कोई ना, देखते हैं कब तक आते हैं। अभी जाएंगे ज़रूर इन्हें लेने, क्योंकि चंबा में मेरे को ना कुछ सब्ज़ी वगैरह अंडे वगैरह लेना है इनके खाने वाने के लिए ना, तो तब वहीं पर मिलते हैं इनसे। ठीक है चलिए। अरे यार गाइस, एक ना छोटी सी प्रॉब्लम हो गई अभी। ये पता नहीं छोटी स्पैरो बर्ड ना, पता नहीं यहाँ कहाँ से ये तार में उलझी, क्या हुआ, तार में तो इतना गैप है, मुझे नहीं लगता यहाँ से लगेगा करंट, वहाँ पे लगी, क्या हुआ उस जंक्शन पे, नहीं यहाँ पे आके गिरी, मेरे को समझ में नहीं आया। अभी तो सांस चल रही थी, मैंने थोड़ा सा मतलब कि पुश करने की, हार्ड पुश करने की कोशिश भी करी, बट पता नहीं मर गई है यार। क्या यार, चलो ज़रा मैं इसे यहीं कहीं दफना देता हूँ खामखा, इससे पहले कि यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह खाएं इसे, इसे दफना देते हैं अच्छे से। ठीक है। सो भाई लोग, अपने याड़ी लोग पहुँच गए हैं चंबा, और मेरे को बताया तक नहीं, इन्होंने एक सुबह लाइव लोकेशन शेयर कर दी थी, जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो वहीं मेरठ की दिखा रही है, वो शेयर करके बस चिंता से मुक्त हो गए थे। तो मेरे को एकदम से बोला कि नीचे था मैं, और एकदम से बोला कि भाई हम तो पहुंच गए चंबा, मैं भगता भगता आया नीचे से ऊपर, भाई सांस चढ़ गई मेरी तो एकदम से। टॉक अबाउट मिसकम्युनिकेशन, हमारी हर ट्रिप में ये होता है, इस कम्युनिकेशन के तो हम किंग्स एंड किंग्स। सो भाई लोग, आपा लोग आ गए हैं चंबा, अब ज़रा ढूंढना है कांडियों को, कहाँ ये सारे कांडी। हेलो, हाँ कहाँ पर है? जहाँ पे तूने वेल्डिंग करवाई थी ना, उस साइड से हम। ठीक है आ रहा, एक एचपी का पेट्रोल पंप है उसके पहले थोड़ा सा। ठीक है आ रहा। वो रे कांडे लोग, कांडे।
पहले एक काम करते हैं ना, पहले खाना वाना खा लेते हैं, यहीं कहीं पे खा ले। तुम दो तीन अंडे की प्लेट रख ले, बच्चों के लिए पहले खींच लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे जो कुछ हो, फिर उसके बाद। अरे तो पहले खा लेते हैं ना, फिर उसके बाद ले लेंगे। चलिए गाइस थोड़ा ना एक बार वो देख लें, थोड़ा सा ना कहीं पे ढाबा वाबा ना खाने को, क्योंकि मैं भी दिन का खाना नहीं खा के आ रखा, और अभी मेरे हिसाब से ना रात का ही खाना खाएंगे अब घर में जाके ना। तो पहले यहाँ पे दिन में खा लेते हैं, फिर सामान लेके निकलेंगे यहाँ से। हाँ सो भाई लोग पराठे वगैरह खा लिए थे भैया के यहाँ से, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, ज़रा मार्केट जाते हैं, मार्केट में सामान वगैरह लेते हैं, अंडे वगैरह ब्रेड वगैरह लेंगे, और तब निकलते हैं यहाँ से। चले गाइस सामान वगैरह ले लिया है हमने, बच्चों के लिए भी और अपना खाने पीने के लिए भी, ये रहा पूरा सामान, हम निकल रहे हैं इधर इधर। चार पाँच दिन ऐसे जाएंगे ना, खतरनाक देखना है, हाँ सा उसके ना पेट में दर्द हो जाएगा। कसम से भाई वो ना भगवान तड़के ना वीडियो बना रहा है, अबे रास्ता खो जाएगा। आहा ये सीन क्या मस्त लगता है, याड़ी चाय दोनों तुरे हो बट भाई साहब बाइक खड़ी हो है, क्या जबरदस्त शॉट। ये लो भाई आ गए गाँव, यहाँ कितने आगे आगे चल रहे, मेरे को पीछे छोड़ गए कमीने, मेरे पास अंडे है ना, तो धीरे धीरे चलानी पड़ रही है, और रोड आपको पता ही है कितनी अच्छी है। नमस्ते ताई जी। तो यहाँ पे ना भाइयों, ये भाई दही ना कितनी बड़ी टॉर्च लेकर आए हमने कैमरे के सामने लगा रखी इनने, व्लॉगिंग करने के लिए, व्लॉग करने के लिए दही ना क्या लगा रखा है इनने सिस्टम, दही ना कितना चमकीला हो रखा है देखना, टूट गया टूट गया। ये देखो इसका कैमरा और वो लाइट टूट गई, अब माउंट टूट गया इसका, कोई बात नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे अशरफ आज अंडा भुर्जी बना रहे हैं, इधर दिखा दो इधर ले सेल्फ को फ्लैश दिखा दे, कहाँ भाग रहा है भाई, बावर्ची नंबर वन, ये देखो एक ही बारी में फोड़ रहा है, देख सकते हैं आप अशरफ बावर्ची। अरे निकाल ले भाई निकाल ले, क्या हो गया, आराम से कर ले, अरे जमा हुआ है अंडा। अच्छा तभी सीखा था जब मैंने इसे सिखाया था, मैंने नजरगढ़ में होटल खोल रखा भाई, मेरे साथ इसने 3 से 4 साल पहले इसने थाली बनाना सीखा, उसके बाद में इसने खाना बनाना सीखा, उसके बाद में मैंने इसे ये जो अपना गुरु मंत्र है ये सिखाया। अच्छा देख लीजिए भाई, उसके बाद नमक, चलो ठीक है, कहीं हम गुम हो गए तो भूखे नहीं मरेंगे। हाँ सो भाई यहाँ पे एक बर्तन मांजने वाले ला रखे हम देना बाबूजी 20 रुपए दे दीजिए भाई, मांज 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 अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना। अबे पहले गिरा तो लेता, मैगी तो गिरा लेता नीचे बेवकूफ बाबूजी, जब तक करेंगे नहीं तो तेल कैसे। अबे उसे नीचे तो गिरा ले, अरे बाबूजी रुकिए तो सही, ऐसे मांज के रखते हैं हमारे घर में, अरे बाबूजी ये भगवान है, इतनी थर्ड क्लास सफाई ना मैंने देखी नहीं है कसम से भाई, भाई
अबे कहाँ मार जाए तूने, पीछे देख पीछे पीछे देख। हाँ भाई कसम, अबे वो ऐसे ही है, वो टमाटर तो अपने डाला है है। अबे निशानी होती कि प्लेट हमारी है। टमाटर तो डाला ही तो भाई होगा नहीं पक्की, बाबूजी 50 चल निकल यहाँ से, ढंग से साफ नहीं है, कह रहा 50 रुपए। अबे ढंग से पानी लगा, पानी लगाऊं? यस ये लगाऊं विम बार। पानी लगा ढंग से, पानी लगाऊं? हाँ अबे उधर मत डाल, उधर मत डाल, बस खुश। हाँ चमक गई। उधर रख दे, कहाँ लेकर जाने? कहीं नहीं, यहीं छोड़ दे। बहुत भारी काम था भाई, काम वाली नहीं बनना मुझे, मुझे इस सीरियल में काम वाली बनना ही नहीं, बन नहीं। क्या है ये पतियों का? अबे तू रहने दे, तू रहने दे।